नोबेल पुरस्कार कौन देता है? बताइए नोबेल पुरस्कार। देखिए आता है झीलों का देश और झीलों का शहर। झीलों का शहर ओके, फंस गया ना। बोलिए अनिशी, हम बताएं। देखिए झीलों का देश बोलेगा ना, इसी लिखा था, इसी लिखा था ना। झीलों, झीलों का शहर, झीलों का शहर। एक होता है झीलों का देश, झीलों की भूमि, झीलों का देश। बोलिए झीलों का शहर और झीलों का शहर, झीलों का देश। झीलों का शहर कौन होगा? उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर। झीलों का शहर उदयपुर। झीलों का नगर है बेनिस। झीलों का नगर बेनिस शहर है जी। झीलों का नगर बेनिस। झीलों का देश फिनलैंड। फिनलैंड का राजधानी कौन बताएंगे? हेलसिंकी। झील दे दे चाहे 1000 झील दे चाहे 10000 झीलों की भूमि, सारा का आंसर क्या होगा? फिनलैंड। बताइएगा रूस के बगल में ही है फिनलैंड। किसके बगल में? रूस के बगल में है फिनलैंड देश। कौन देश आता है? रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा क्या बोलते हैं? रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर दिख रहा है रूस और फिनलैंड, दिखाई दिया जी। रूस और फिनलैंड, ये कौन सा देश? रूस। बगल में कौन देश? फिनलैंड। फिनलैंड ये है, ये फिनलैंड। पूछेगा रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा रेखा, क्या रखेगा? मेन रहीम रेखा। कौन रेखा? मेन रहीम रेखा। पूछेगा मेन रहीम रेखा किन दो देश के बीच है? रूस और फिनलैंड। इसके बीच, जबकि पूछेगा जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा। कौन रेखा? हिंडनबर्ग रेखा। कौन बताएंगे 49वीं समानांतर रेखा? अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा। हाँ अमेरिका चल गया, कितने मिला था? कहाँ चल गए थे कल घूमने? चलिए हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो रिवर कहते हैं, बांग्लादेश में से क्या कहते हैं? देखिए बांग्लादेश जब पढ़िए, कहिए भारत में पूछेगा बांग्लादेश को कौन नदी को? भारत में गंगा नदी है ना, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के किस ग्लेशियर से? संतोपत हिमानी और गंगोत्री ग्लेशियर से। कौन नदी हो गई? गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं क्या? गंगा कहते हैं पद्मा, गंगा कहते हैं पद्मा, पद्मा नदी। और इधर से एक नदी आ रही है, बताइए इधर से आ रही है कौन सी नदी? इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा। कौन? ब्रह्मपुत्रा। जब दोनों ब्रह्मपुत्रा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? गंगा और जमुना जब मिलती है तो कौन नदी? मेघना नदी। गंगा और देखिए इधर से आ रही, देखिए गंगा इधर कौन नदी? गंगा। और यही नदी गंगा क्या बोलेंगे बांग्लादेश में? पद्मा प्लस जमुना क्या बनेगा? मेघना नदी। कौन नदी? मेघना। पूछेगा मेघना कहाँ है बांग्लादेश में, बनती है कि निकलती है? बनती है। कौन देश? बांग्लादेश। बताइए बांग्लादेश के संसद का नाम? बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। बताइए नेपाल के संसद का नाम? नेपाल के संसद का नाम है पंचायती राज। क्या नाम है? पंचायती राज। पूछेगा मालदीव के संसद का नाम क्या है? मालदीव के संसद का नाम है मजलिस। पाकिस्तान के संसद का नाम? पाकिस्तान। और फ्रांस का संसद का नाम एक है, बताइए फ्रांस के संसद का नाम और पाकिस्तान के, इसका नाम है नेशनल असेंबली। चीन के संसद का नाम क्या है? चीन का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। कब बताइएगा कि आपका फेडरल असेंबली किसका संसद का नाम है? फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। बोलिए ऑप्शन। फेडरल असेंबली कांग्रेस है। फेडरल असेंबली कहाँ के संसद का नाम है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड के संसद का नाम। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान के संसद का नाम है सोरा। जापान के संसद का नाम? जापान के संसद का नाम है डाई। रूस के संसद का नाम? ड्यूमा। ड्यूमा आप बोले इसका राइट है, इसका नेसेट इजराइल का, इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। इतना संसद नाम आपको क्या होना चाहिए?
पता होना चाहिए, याद है तो धीरे धीरे आपका, जो नहीं लिखे उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र का नाम सुने हैं? किसमें दिया जाता है? किस क्षेत्र में? हाँ, मान लीजिए कोई सैनिक वगैरह शहीद हुआ, उस सबको दिया जाता है परमवीर चक्र। इससे अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। लेकिन द्रोणाचार्य उसका जो कोच होता है उसके क्षेत्र में। हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में सबसे पहली बार दिया गया, देविका रानी 1969, ठीक है। चलिए, इसको लिख लिया है। स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली। धीरे धीरे आपका आएगा, धीरे आप लोग का धीरे धीरे ना, एक महीना तक सेट मारिए सब कुछ ऑटोमेटिक याद होगा, रिपीट होते रहता है ना, बराबर रिपीट होते रहता है। चलिए, अब देखिए, आप जान दीजिए, आप जहाँ लिखा है ना परमवीर चक्र, वहाँ परमवीर चक्र का स्थापना कौन बताइएगा? परमवीर चक्र का स्थापना कौन हुआ बताइए? 1953। अब अर्जुन पुरस्कार 1961। परमवीर चक्र लास्ट बार दिया गया 1999 में, कारगिल जब युद्ध हुआ था ना। ये आपका जहाँ लिखा हुआ है इसका स्थापना, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1950, 26 जून 1950, क्या बोले थे वो 1951, नहीं 50 है, ठीक है। परमवीर चक्र का स्थापना सबसे अंतिम बार कब दिया गया? जब कारगिल युद्ध हुआ था ना 1999 में, हाँ, परंतु 1950, 26 जनवरी 1950 है, ठीक है। चलिए अगला आपका तो किसी में दिया है महावीर चक्र, है महावीर चक्र, वहाँ पर लीजिए। महावीर चक्र का भी स्थापना आपका 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, और कौन हो गया, कौन चक्र बचा? अशोक चक्र। बताइए अशोक चक्र का स्थापना कब हुआ? इसका 1950 है कि आगे पीछे होगा? आगे पीछे होगा, आगे पीछे होगा, 1950 है, पीछे होगा इसका लगभग 1952 है। और कौन सा बच गया? वीर चक्र। वीर भूमि किसका है? वीर चक्र बोलेगा तो वीर चक्र किस क्षेत्र में? वीर चक्र दिया जाता है सारा हमारा सैनिक को दिया, ये 1947। वीर चक्र का स्थापना कब हुआ? वीर चक्र का स्थापना हुआ 1947। देखिए, एक तो मिल गया आपका वीर चक्र का स्थापना 1947, परमवीर चक्र का स्थापना 1950, और किसका था? महावीर चक्र का स्थापना 1950, और कौन चक्र? अशोक चक्र का स्थापना 1952। मतलब इसका हो गया 1952, इसका हो गया 1950। अर्जुन पुरस्कार 1961। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1984। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 1969। नोबेल अवार्ड कब से दिया जा रहा है? नोबेल अवार्ड 1901। कितना अच्छी दिया रखेगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीर भूमि किनका है? देखिए, जितना भी भूमि है, समाधि स्थल, जो बड़े बड़े नेता को जहाँ दफनाया गया है या उनका समाधि स्थल है, तो सारा का एक नाम दे दिया। किसी का वीर भूमि दे दिया है, किसी का राजघाट दे दिया है, किसी का शक्ति स्थल दे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? वीर भूमि किनका समाधि स्थल है? तो यार रखिए, वीर भूमि हमारा राजीव गांधी के नाम पर है पुरस्कार। सबसे कम उम्र में बनने वाले पीएम, मात्र 26 साल में थे। वीर भूमि किनका है? लेकिन जब पूछेगा चैत्र भूमि, भीमराव अंबेडकर किनका है? भीमराव अंबेडकर। राजघाट किनका है? राजघाट, इसमें तो फेमस क्वेश्चन, राजघाट आगे रखेगा महात्मा गांधी। किनका है? महात्मा गांधी। वीर घाट हो गया। शक्ति स्थल किनका है? इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी। श्रम श्रम स्थल किनका है? गलत। श्रम स्थल हाँ जग जीवन राम। अंत इनका नाम पर कॉलेज भी है जग जीवन। मुंगे जाइएगा ना, मुंगे मिलेगा जी आर एस कॉलेज। समता स्थल। एक आपका पूछता है वीरभूमि चैत्य भूमि राजघाट शक्ति स्थल कॉलेज। लाल बाबा शास्त्री किनका है? अभय घाट। मणि देसाई मोरारजी देसाई। अभय घाट विराट। हाँ ये मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट अपने आप आया था ना लाल बहादुर शास्त्री। कम बताएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? वाराणसी। इनका मृत्यु कब हुआ था? 11 जनवरी 1966। ताजकन समझौता किसान घाट। इनका किसान घाट चौधरी चरण सिंह। चलिए बहुत इतना आगे आगे चलिए आगे बढ़िए। सेवा सदन कर्म भूमि किनका है? पुस्तक का नाम है प्रेमचंद। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण बीजक। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। किस राज्य में? ओमकेश्वर मंदिर कर्नाटक। किसका है? जैन धर्म की बौद्ध धर्म? जैन धर्म। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी। पूछेगा आपका विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं आपका 28 फरवरी। कौन बताएंगे मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 24 अप्रैल। क्या मनाते हैं? पूछेगा पोलियो दिवस कब मनाते हैं? बताइए पोलियो दिवस कब मनाते हैं? पोलियो बस दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर। टीवी दिवस कब मनाते हैं? टीवी दिवस मनाते हैं 24 मार्च। क्या मनाते हैं? जबकि पूछेगा टीवी टेलीविजन वाला 21 नवम्बर। चलिए पूछेगा मधुमेह दिवस 14। हाँ जैया मधुमेह नहीं खाना चाहिए मिठाई। 14 नवंबर बाल दिवस। उसी दिन मधुमेह दिवस। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी। कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी। कब बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? याद रखिएगा हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर। कब बताएगा 14 सितंबर को सॉरी हिंदी को कब अपनाया गया? 14 सितंबर। हाँ ओजोन दिवस। ओजोन दिवस आपका जो है ये 16 सितंबर। बच गया 15 सितंबर इंजीनियर डे 15 सितंबर। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 5 जून पर्यावरण दिवस। चलिए इतना दिवस क्लियर। इतना दिवस मतलब इतना आगे बहुत आ गया। चलिए नहीं जो चलिए आगे बढ़िए। क्या नंबर है? हाँ नृत्य शैली डोलू कनिया किस भारत से? कर्नाटक। कर्नाटक किसके है? कोलार की खान कर्नाटक। हाँ कॉफी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक के चिकमंगलुरु। कमंगलुरु। चलिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कृषि लागत पर मूल आयोग। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत? लेकिन आता पिरिनी पर्वत। देखिए होके लिखाया आता है जूरा पर्वत का। बताइए कौन बताइएगा जूरा पर्वत कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी क्वेश्चन है। नहीं पढ़ाया याद है? वहाँ पढ़ाए वहाँ पढ़ाएंगे हम। जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में। जूरा पर्वत कौन पर्वत? जूरा पर्वत। जूरा पर्वत किस देश में है? जूरा पर्वत आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। देखिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच क्या है पर्वत? जहाँ है लिखा हुआ जूरा वहाँ लिखिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड। जहाँ लिखा हुआ जूरा वहाँ लिखिए फ्रांस और किसके बीच? स्विट्जरलैंड के बीच। ओके है मोंटो सिंटो पर्वत है ना। मोंटो सिंटो पर्वत क्या आपका भी फ्रांस से पड़ता है? फ्रांस और बगल में है बॉर्डर होगा। मोनो सिंटो पर्वत चोटी लगता है। देखिए आपका किसकी चोटी है? ये चोटी का नाम है मोंटो सिंटो। क्या
पर्वत है ठीक है, देख रहे हैं फ्रांस के क्षेत्र में, वहाँ लिखिए फ्रांस, कहाँ लिखेगा फ्रांस, मोंटो सिंटो पर्वत फ्रांस, पिरनी पर्वत फ्रांस, और देखिए कुछ पर्वत का हम नाम लिख देते हैं ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसे मिला ना अभी जूरा पर्वत, क्या मिला जूरा पर्वत, कहाँ है जूरा पर्वत, ज्यादातर सीमा इसका ज्यादा पूछता है स्विट्जरलैंड में, कौन में स्विट्जरलैंड में सीमा वाला। चलिए अगला क्या है, पिरनी पर्वत, कौन पर्वत पिरनी पर्वत, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और बैकाल पर्वत, बताइए बैकाल पर्वत रूस, आपका रॉकी पर्वत अमेरिका, रॉकी पर्वत कहाँ है आपका है अमेरिका, माउंट सीटो उसी में क्वेश्चन है, माउंट सीटो पर्वत फ्रांस, अरारात बैकाल रॉकी एंडीज, चलिए बहुत सोचन हरा खान यहाँ में। समान रूप से मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण कौन करता है, एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले, राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी कब किया भारत, पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला गया था, 1930 कहाँ खेला गया, कनाडा, स्थापना। चलिए भारत में राष्ट्रमंडल संगम साहित्य किस भारत भाषा में लिखा गया है, संगम, संगम साहित्य का नाम सुने हैं, सुने हैं, यहाँ तीन वंश, कौन वंश, संगम काल, संगम काल में कहते हैं संगम, चेल चोल पांडव, चेल चोल पांडव, चेल चोल पांडव संगम सब दक्षिण भारत का है, कौन भारत का, दक्षिण भारत का, मतलब लोग नहीं पढ़े हैं संगम वंश, संगम नहीं पढ़े, वो तो हम भी बता कम मोहम्मद बिन तुगलक अलग है, देखिए चेल चोल पांड मिला, चेल चोल, देखिए चेर चोल पांड ये दक्षिण का है ठीक है, चेर चोल पांड नहीं समझे, देखो चेर चोल पांड ये किस में आता है, ये तीनों वंश का नाम है जी, चेर वंश चोल वंश पांड वंश, उसका प्रताप है, मतलब जैसे आता है कैसे मोर ये आता है ना मगध में, कई वंश मोर वंश सुंग वंश कर्ण वंश सातवाहन वंश, तो पूछेगा संगम काल यानी संगम वंश में कई वंश, चेल वंश चोल वंश और पांड वंश, लिख लिया, लिखिए संगम काल में तीन वंश, चेर चोल पांड, चेर चोल पांड नमो खतरनाक है ना, संगम का इसका कौन भाषा होगा मेन, तमिलनाडु में था तमिल भाषा, कौन भाषा तमिल भाषा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, संसद कर सकता है ठीक है, भारत में कोई भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे करेगा, उपराष्ट्रपति को देना है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को देना है तो प्रधानमंत्री को देना है तो, देखिए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, देखिए एक तरफ लिखा है शपथ ग्रहण, एक तरफ लिख रहे हैं त्याग पत्र, क्या लिख रहे हैं, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के CJI कौन दिलाता है, लेकिन त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति, वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति,
जगदीप धनखड़े कौन है? चलिए पहला हो गया। दूसरा हमारा उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको त्याग पद देना किसको देगा? राष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? हाँ, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। किसको नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति को? किसको राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राज्यसभा के उपसभापति? उपसभापति सब लोग खुले हैं। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको सब इसको सब अगर कम दिलाएगा? राष्ट्रपति को दिलाएगा राष्ट्रपति। इसको त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? इसका शपथ ग्रहण नहीं होता है। देखिए इसका शपथ ग्रहण नहीं होता है। त्याग पत्र देना है तो पांचवा, अगर लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? लोकसभा। इसको त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र जब भी दिया जाता है अपना से बड़ा। ठीक है, चलिए कई नंबर अगला क्वेश्चन है? कई नंबर 18। आठवीं अनुसूची किस भाषा है? भाषा 22 भाषा। क्या भाषा? 22 भाषा। लेकिन पूछेगा किस अनुच्छेद में है, सॉरी किस भाग में? अनुच्छेद का नाम तो मतलब 22 भाषा का जिक्र है, ये बात तो आठवीं अनुसूची में तो लिखा हुआ है ना, लेकिन कितने नंबर भाग में लिखा हुआ? भाग राजभाषा 17। राजभाषा का वर्णन 17। हेलो, हाँ क्लास है, बोलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अर्थात बुझ रहा है, इसकी अधिकतम संकेंद्रण खास श्रृंखला के निचले स्तर पर है। समझे इसका मतलब? देखिए समझिएगा, जब हम बताते हैं फूड चेन, क्या पढ़ाते हैं? फूड चेन का नाम सुने हैं? पहला क्या होगा? प्राथमिक क्या है? निर्माण करने वाला उत्पाद क्या है? सबसे ऊपर में क्या रहेगा? उत्पादक के बाद क्या रहेगा? उत्पादक के बाद क्या रहेगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता के बाद क्या रहेगा? उत्पाद। उल्टा बोल दिए जी, उपभोक्ता नीचे रहेगा। उपभोक्ता नीचे सबसे नीचे रहेगा, उत्पाद रहेगा पीछे में। हाँ, उत्पाद रहेगा, उत्पाद रहेगा, उत्पाद रहेगा। अरे क्या रहेगा? उत्पादकता। ज्यादा संख्या किसका है? खाने वाला, कंज्यूमर। ज्यादा संख्या इसका तो पिरामिड से बनेगा, पिरामिड से बनेगा, इसे नहीं बनेगा, कीला बनेगा। मतलब ज्यादा संख्या, अगर देखिएगा आज लोग जितना भी आप यूज करते हैं जैसे मोबाइल, या आप लोग क्या है एक तरह से कंज्यूमर, कंज्यूमर का हिंदी होता है उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता। यहाँ पर क्या कर रहा है? खास श्रृंखला के निचले स्तर पर, क्या स्तर पर? मतलब इसको कहते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? मतलब हम लोग कहीं ना कहीं दूसरे पर क्या है, फिगर बना देते हैं फूड चेन का। ठीक है, फूड चेन का फिगर मतलब जिससे हम लोग फूड फूड चेन क्या है, फूड चेन डायग्राम। देखिए फूड चेन हमारा जो है, पहला जो हमारा, ठीक है दे दीजिए, ठीक है ना, सबसे पहले अगर देखिएगा फूड चेन, देखिए समझिए फूड चेन में क्या दिख रहा है। सबसे पहला रुकिए ना अभी, चलिए 20 नंबर बोलिए। ध्वनि के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तापमान या माध्यम किसका आंसर क्या होगा? एक नंबर बी नंबर। पेट्रोलियम का अनेक उपयोगी उत्पाद क्या होता है? प्रभाजी आवेशन विधि द्वारा। निम्नलिखित पदार्थों का केवल एक ही तत्व से बना, सबसे प्रचुर मात्रा में
कौन सा उभयचर नहीं है? सेलामेंडर मछली है जी, छिपके मछली है, उभयचर होगा? हो गया कहानी खत्म। मछली, अरे कुछ और, मछली है, फिश है, फिश का टाइप है, हो गया। केक सही मारे थे, इसमें सेलमेंडर ने आंसर क्या दे रहा था? सेलमेंडर दे रहा था, ठीक, मछली का, वहां पर मछली का नाम दे रहा था, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु होता है? चेचक बोलते हैं, क्षय रोग होगा, तपेदिका रोग इसी को बोलते हैं, क्षय रोग इसी को बोलते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। क्षय रोग के में कौन सा टीका? बीसीजी का टीका, रेबीज के टीका खोज किसने किया? मान लीजिए रेबीज का टीका लुई पाश्चर, लिख दिए। मान लीजिए चेचक के टीका खोज, मान लीजिए एडवर्ड जेंस। देखिए पोलियो की टीका खोज, मलेरिया टीका खोज, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। भारतीय मौसम विभाग बताइए, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण, मतलब पहले सूचना कर देगा कि आपका आज पानी आने वाला है कि नहीं। हाँ, घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कर्बिक एसिड। विटामिन ए का, विटामिन बी का, सी का, डी का, ई का, के का, फिनोक्विनोन। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए डीएनए का खोज, खोज किया था व्हाट्सएप के लिए, लेकिन पहली बार देखा था काल से, इसको प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना। डीएनए क्या है? डीएनए बड़ा कि जीन बड़ा? मनुष्य का सबसे छोटी, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बाद इसके बाद मिलेगा फिर जीन, क्या मिलेगा? इसको फिर और जूम कर देखा गया तो मिलेगा आपका डीएनए, डबल हेलिक्स, ठीक है। चलिए इसका माइथ है जी, मानसून का हवा कारण क्या है? हवाई का मानसून सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून आता है केरल से। चलिए सिखवाद कब हुआ? सिखवाद मतलब 1469 में था ना, तालमंडी में जन्म सिख का, उसी से 15वीं शताब्दी होता है। द लैंड ऑफ गोल्ड, स्वर्ण प्रदेश, घाना, घाना किसका राजधानी? गोल्ड कोस्ट का राजधानी घाना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IBRD, तो ये IBRD का मतलब क्या होता है? IBRD का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा IBRD, लिख लीजिएगा। IBRD का स्थापना 1944, IBRD का स्थापना 1944, IBRD का इंटरनेशनल बैंकिंग डेवलपमेंट 1944, याद रखिएगा 1944 अंतर्राष्ट्रीय हो गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय IBRD ना है, IBRD का स्थापना 1944, WHO WTO 1995, WTO टूरिज्म वाला 25, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कौन सी है? एगो है वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार संगठन, 1995,
95 लेकिन पूछा गया विश्व टूरिज्म मतलब पर्यटक 1925 1971 यूनेस्को 1945 बोलिए आता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं इसी को मनाता है DRDO भारत का जी नासा 29 जुलाई 1958 इसरो का कंफ्यूजन नहीं जरूरत है इसरो का है 15 अगस्त 1900 न्यूयॉर्क में है कब मुख्यालय LIC दसे हुआ है 1956 बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ठीक है चलिए आगे बढ़िए फिर नंबर है क्वेश्चन 38 क्या बोलते हैं 38 जैन धर्म 38 48 तभी 38 में है अहिंसा का चरम स्वरूप जैन धर्म जैन धर्म में कुल कितने बाबा 24 पहला बाबा 23वां बाबा 24वां कौन सा जो है संस्कृत का महान विद्वान लेखक था हर्षवर्धन हर्षवर्धन देखिए अगला यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे सरकार बनाने की द्वारा है अगस्त 1917 की घोषणा थी विजयनगर कौन बताएंगे विजयनगर का स्थापना कब हुआ 1336 में किसका स्थापना विजयनगर 1347 में बहमनी समाज बहमनी समाज रखिएगा देखिए समझिएगा दोनों चीज देखिए इसके संस्थापक थे हरियर बुक्का हरियर एवं बुक्का और इसके संस्थापक थे हसन गंगू कौन गंगू उसका है बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया हसन गंगू और 1336 में विजयनगर दोनों जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उसी के शासनकाल में जब टूटा था ना तो विजयनगर ठीक है और ये हमारा विजयनगर राजधानी बनाया था ये जो कि तुंगभद्रा में दिख ना रही ना विजयनगर किस नदी किनारे है तो तुंगभद्रा ये कर्नाटक में हसन गंगू हसन पूछता है बहमनी साम्राज्य के स्थापक किसने से हसन गंगू विजयनगर के हरियर एवं बुक्का दोनों का डेटो पूछता है जी 3647 गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ होगी नहीं इसका पहले ग्रीनविच पर क्या बज रहा है 12 बज रहा है पूर्व देशांतर कितना है इसको निकालना आता है चलिए समझाते हैं समझ लीजिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मान लीजिए ग्रीनविच पर आप देखिए भारत जो है देखिए ये दुनिया का फिगर लेते हैं देखिए ग्रीनविच जो रेखा है ना ग्रीनविच जो रेखा खींचा गया है देशांतर है क्या चांस है यहाँ से खड़ा रेखा जो है उसको कहते हैं आपका देशांतर ये खड़ा लाइन जो है ना सारा क्या है खड़ा लाइन क्या है खड़ा लाइन ठीक है जो पड़ी लाइन इसे कहते हैं अक्षांश अक्षांश का काम होता है दूरी और स्थिति बताने के लिए लेकिन तारीख और दिन बताने के लिए देशांतर तारीख और दिन अब मान लीजिए देखिए पूरब की ओर जाएगा तो समय बढ़ता है और इधर जाते हैं तो समय ये माइंड में याद रखिएगा पूरब गए तो इधर जाएंगे तो अब मान लीजिए क्या बोल रहा देखिए अब ये क्या रखिएगा ट्रिक है 1 डिग्री = 4 मिनट पृथ्वी 1 डिग्री में कितना मिनट लेता समय घूमने में अब अगर आपसे घुमाना आपको पता होगा यहाँ पर क्या बोल रहा है देशांतर मतलब ग्रीन बीच पर कितना बज रहा है 12 बजे कितना बज रहा है 12 अब यहाँ पर दिया है 50 डिग्री पूरब पूरब 50 पूरब 1 डिग्री = 4 मिनट तो 50 डिग्री = 200 मिनट क्या मिनट अब 200 मिनट को बदलिए घंटा में कितना आएगा 3 घंटा 20 मिनट 3 घंटा अब क्वेश्चन क्या कर रहा है
अगर 12 बजे रात बजा, क्या बजा? मध्या मतलब, मध्या मतलब मध्या मतलब रात्रि होता है, दोपहर होता है। हाँ, तो यहाँ पर पूछ रहा है 12 बजा है, तो इधर क्या होगा? पूरब है कि पश्चिम? पूरब है, तो 3:20 क्या होगा? शाम होगा। दिया है इसका, दिया सर शाम 3:20 आ गया है, क्लियर? अब देखिए, समझिएगा, अगर मान समझिए, अगर आपसे पूछेगा ये आपका है, यहाँ पर बज रहा है 12 बज रहा है आपकी, ये मान लीजिए यहाँ पर बज रहा है 5 ग्रीनविच पर, कितना बज रहा है? 5। और टाइमिंग वही है, क्या है? देशांतर भी वही है, 50 डिग्री। तो बताइए 50 डिग्री पूरब है तो कितना टाइम होगा? 8:20, क्या होगा? यहाँ 5 बज रहा है तो 3:20 क्या होगा? और लेकिन अगर इधर रहेगा तो आपका, ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। तो आपका ग्रीन बीच फसल में आ गया। अगर आपका पूरब गए तो प्लस, इधर गए तो माइनस। 1 डिग्री में कई मिनट? 4 मिनट। देखिए, जब समझिएगा, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता, कई मिनट का? 4 मिनट। आपको पता हो कि 1 दिन में कई घंटा? 24 घंटा। अगर हम मानते हैं आपको 1 डिग्री में आपका पूरा पृथ्वी पर कई देशांतर, देशांतर की संख्या पूछेगा ना, तो देशांतर की संख्या 360, अक्षांश की संख्या पूछेगा ना, तो 90 90 180+1 जीरो लाइन जो है ना उसको भी जोड़िएगा, ठीक है? तो कुल अक्षांशों की संख्या, कुल देशांतर की संख्या, 1 डिग्री बराबर कई मिनट? 360 डिग्री बराबर 36 मिनट। अब इसको घंटा में बदलिएगा, क्या आएगा? 24 हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? किस भगवान की? जैन बौद्ध? जैन। गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ? चीनी तीर्थ यात्री हेंसवांग हर्षवर्धन के शासन काल में? हर्षवर्धन होगा। चलिए, आपका सौरमंडल की खोज? निम्नलिखित में कौन सा भूमध्य रेखा पर गुजरती है? ब्राजील, जॉर्बिया तथा मलेशिया? इंडोनेशिया। हाँ ठीक है, इंडोनेशिया। एक मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर, कहाँ? इंडोनेशिया में। किस अधिनियम द्वारा? मलेशिया, नहीं इंडोनेशिया, सुधार लीजिएगा, ठीक है, कल सेट में था बोरोबुदुर 47 का बी। देखिए, जितना भी रेखा है, कौन रेखा, कौन रेखा, कई रेखा भारत दुनिया में? कई रेखा? तीन रेखा। एगो तो बीचों बीच रेखा जिसे कहते हैं विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं? या भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भूमध्य रेखा है ना, वर्ल्ड मैप। हाँ, तीन वो रेखा मैन, तीन वो है वर्ल्ड मैप। कौन है? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पहले समझिए, वर्ल्ड मैप आगे बढ़ते जाते हैं। कौन है वर्ल्ड मैप? चलिए, कौन कौन है, क्या पूछ रहा है? भूमध्य रेखा दिखा दे रहा पीछे हो जाएगा अपने, क्लियर? अथिया पर लाइए सर, कौन सी पर? वो अथिया ग्लोबल में। अब आया, आराम से रहिए, लाइए में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आप देखिए, अंदर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन रेखा? देखिए, पृथ्वी के जो बीचों बीच गया है, गुजरती है, ब्राजील मिला, ब्राजील मिल गया, उसके बाद कौन देश है? सूडान। बोल सुडान है, कई नंबर क्वेश्चन था केनिया, कोलंबिया, इधर का ही, इधर का कोई देश नहीं, केनिया मिला, ठीक है, कोलंबिया, केनिया दिया है ना, केनिया बाद क्या दिया है? यहाँ देखिए, इंडोनेशिया मिला है, इंडोनेशिया पूरा है दोनों, ठीक है, केनिया, इंडोनेशिया, कौन है? कोलंबिया। कहाँ दिया है? कोलंबिया। कोलंबिया दिया है, हाँ। भूमध्य रेखा या दोनों कहते हैं कई डिग्री, इसे बोलते हैं 0 डिग्री, क्या बोलते हैं? 0 डिग्री बोलिए, चाहे भूमध्य रेखा बोलिए, चाहे, देखिए, अगर हम जाते हैं 23.5 डिग्री उत्तर,
तो इसे बोलते हैं कर्क रेखा। और अगर जाते हैं नीचे साढ़े 23 डिग्री जो है कर्क रेखा कितना देश से गुजरता है? 18 देश। 18 देश में 8 देश है एशिया से। कई देश? पहला देश का नाम है कहाँ के साढ़े 23 डिग्री दिया जी दिया है हाँ यही वाला देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अरे भारत वाला भारत तो याद है दुनिया में आइए देखिए पहला देश का क्या है दुनिया कितना देश एशिया से कितना देश एशिया वाला सुनाते आसानी है ठीक है। पहला देश का नाम बोले सुगेश पहला देश का नाम है ताइवान। पहला देश का नाम ताइवान। ताइवान देखिए हम दिए कौन देश ताइवान। उसके बाद है आपका चीन क्या है चीन मिला चीन चीन के बाद है म्यांमार क्या है म्यांमार क्या है इसके बाद कौन है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहला देश ताइवान। दूसरा तीसरा म्यांमार। उसके बाद बांग्लादेश। भारत है कि नहीं है भारत है। भारत पांचवा देश भारत। छठा देखिए क्या मिलेगा आपका सऊदी अरब मिला सऊदी अरब मिला सऊदी अरब। और बच गया एक बताइए कौन संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं UAE क्या हुआ ताइवान चीन म्यांमार बांग्लादेश भारत सऊदी अरब भारत और वो आपका UAE। और कौन दिया कोई को छोटा जी कौन कहाँ गए यही ना है अरब सागर के बगल में ओमानिया ओमान ओमान का नाम है मस्कट ओमान ने है ओमान ले आए सर ओमान का राजधानी मस्कट ने है ठीक तो है जवान तो ये देखिए नहीं आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देश एसी कहीं देखा कर देखा ना कर के देखा मुझे डार्क देखा मिला पहला रखिए उधर से रखिएगा देखिए ये दुनिया 18 देश 18 जगह दिखा जाएगा ठीक है। 18 देश से क्या गुजरता है कर रेखा देखिए अरे भूमत एक को दिया हमने भूमत में कहीं बोल रहे पहले हाँ भूमत पहला देश तीसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां इधर नहीं पढ़ना अभी कौन इसे कौन है इसे अलग महाद्वीप ला है पहले कौन महाद्वीप ला एशिया महाद्वीप से कितना रेखा कर्क रेखा पहला ताइवान बोल दीजिएगा देखिए मैप लाते हैं बोलिए पहला देश है ताइवान दूसरा तीसरा उसके बाद आठ हो गया राधे श्याम आठ हो चार को बोलिए ना चीन ताइवान सुनिए ताइवान चीन चलिए भारत याद आसान है बांग्लादेश के बाद सऊदी अरब देखिए आठ को याद कर लीजिएगा तो एक दिन और आठ को याद करवा देखो एक आध दिन और दो ठीक है। पहला देश ताइवान पांच को बचा कैगो एगो तो आपका सऊदी अरब और UAE वह तो आसान थी आजाद देखिए इधर से घुसिए ताइवान चीन म्यांमार बांग्लादेश भारत UAE सऊदी अरब हो गया बोलिए ताइवान चीन म्यांमार बांग्लादेश भारत सऊदी अरब हो गया आठ वो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सऊदी अरब सातवा यूएई भारत के लास्ट में बोलते हैं भारत का इधर से आइए देखिए देखिए इधर से पहला देश ताइवान के बाद चीन चीन के बाद म्यांमार के बाद बांग्लादेश बांग्लादेश के बाद भारत भारत
भारत के बाद ओमान यूएई इधर कुछ बोल सकते हैं यूएई उसके बाद उसके बाद ओमान ओमान करा था नहीं हो गया आठ देश क्लियर है बिहार भारत ने कितने राज्य कर रखा आठ राज्य दुनिया कितना देश आगा कट रेखा किस देश से नहीं गुजरता इरक देश से ताइवान चीन म्यांमार बांग्लादेश जगह घुसा दिया मतलब हाँ अभी अभी उस पर नया है हाँ कुछ डाल देगा ठीक है तो अभी आपका जो है ना अभी उस पर नया है ठीक है चलिए आगे क्या नंबर था 47 हाँ 47 किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया गया खत्म कर दिया गया ठीक है बांग्लादेश से कौन सा राज सटा नहीं है नहीं है पूछा है मार दिया कुछ लोग त्रिपुरा मार दिया ना मारे देख लीजिए मैं दिखाता हूँ देख लीजिए कौन सा है त्रिपुरा से सटा है बांग्लादेश असम को छोड़कर कौन सा राज क्वेश्चन था जी बांग्लादेश सटा नहीं है मणिपुर है सटल देखिए इधर का देखिए अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा क्वेश्चन ये नहीं पूछता क्वेश्चन क्या पूछा या तो पूछेगा आपका कौन सा सटा नहीं है तो एगो मणिपुर एगो त्रिपुरा हो गया आपका मेघालय बस दो ही हो गई है ठीक है बाकी ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन सा राज तीनों ओर सटा है असम है असम है त्रिपुरा लोक लेखा समिति का रिपोर्ट ये अध्यक्ष को ये गठन कौन करता है लोकसभा स्पीकर रिपोर्ट किसको देता है लोकसभा स्पीकर को और लोकसभा स्पीकर ये रिपोर्ट किसको देता है राष्ट्रपति लोक लेखा समिति में कितना मेंबर 22 15 मेंबर कहाँ से आता है राज्यसभा से आता है लोकसभा चलिए अगला क्वेश्चन आपका संसद का अंग है लोकसभा राज्यसभा चलिए जनजातियों को इंगित करने वाला ठक्कर बांबादरा निम्नलिखित कौन सी घाटी है मार्कोनी के प्रथम बेतार सिग्नल विश्व व्यापार संगठन का है गेट ये लगता सेट मारा हुआ जी एक बार गेट गेट आ रहा था निम्नलिखित में कौन सा झींगा मछली चीन अकबर के शीतकालीन मीर बख्शी ये क्वेश्चन मारा हुआ सेठ जी बार बार आ रहा मीर बख्शी सेठ भी राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 साल वंदे मातरम सिपाही विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था कहाँ से मेरठ से रविशंकर सितार सतलज चेनाब रावी सब सिंधु की सहायक नदियां हैं अनुच्छेद 370 कब समाप्त हुआ 370 5 अगस्त 2019 स्वेज नहर लाल सागर और उमर सागर को जोड़ता है लाल सागर और कब बताएंगे स्वेज नहर का डिजाइन डी फर्डिनेंड बनाया था भारत के राष्ट्रपति को कौन पद हटा सकता है संसद किसकी किस शासक में वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि पाटलिपुत्रा में किया था डॉक्टर इंद्र प्रसाद का किस गिरफ्तार बांकीपुर जी भारत छोड़ो आंदोलन हाँ किसके चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है राष्ट्रपति का किसका राष्ट्रपति का होगा ये नंबर बोले थे कल नहीं ये नंबर होगा किसका चुनाव एकल संक्रमण नहीं होता दिल्ली खान नहीं होता है वहां पर होगा विधानसभा लास्ट में डी नंबर विधानसभा डी नंबर होगा नहीं होता है नया ध्यान ये यहाँ लगा हमको लगा होता है नहीं होता सोन नहर पूर्वी कैनल बारून सार गंगा में मिल जाती है ठीक है कौन सा घर गैर आवश्यक है संचार भारत का तर्क सिद्धांत हाइगेस्ट वहाँ वैज्ञानिक ने किया था प्रकाश का गति न्यूनतम जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल गर्म होता है तो कमता फिर होता है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह हाँ कहाँ से होगा हाँ तलित चालक किसका तामा का विटामिन वाला मिला ये सी नंबर ग्रीन फिल्म परीक्षण करता है BSL2 लवन ग्रीन फिल्म टेट्रासाइक्लिन पर सापेक्ष पराक्रम होता है आलू का अग्रभाग हाँ इधर क्या नंबर है इधर 86
सतासी मोतिहारी में किस सम्मान को? अनुराग सिंह। अनुराग सिंह की विकास मिश्रा, विकास मिश्रा, विकास मिश्रा। एनीमिया मुक्त 12 सूचकांक, बाईसवां। बुजुर्गों के लिए हाल ही में तीसरा, तीसरा। बिहार पंचायत चुनाव की सूचना, कितना रुपया? 34,413 रुपया। पट कौन सर? भागलपुर। ट्रांसजेंडर के लिए कितना जिला? 5 सीट। बस कंडक्टरों के लिए बस शुल्क निकलने के लिए कौन सा? बिहार। बिहार। उत्तर भारत का मॉडल एड्स? पूर्णिया। पूर्णिया। भारत बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए? चलिए अगला क्वेश्चन, कितना ट्रैफिक पार्क? 38 जिला। बताइए टोल फ्री नंबर? 18 सी नंबर। कितना नदी? नो। कितना सेंट्रीपाइड? 40। कुछ अब क्वेश्चन पूछेंगे जी, पिछला वाला करंट अफेयर। चलो कितना 5 मिनट। हाल ही में जारी के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर में कौन सा स्थान बिहार? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तीसरा। जारी रिपोर्ट के अनुसार कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा? बिहार में। प्रोड्यूसर गाइस, सीओ प्लस एन टू, सीओ प्लस एस टू, सीओ प्लस एन टू। क्वेश्चन आप ही से लोग से है, हाल ही में ईशान किसान के वैशाली 20 लाख रुपए में खरीदा, किसको? उपेंद्र त्रिवेदी, राकेश सिंह, अनुनयन सिंह। हाल ही में जदयू राज्यसभा संसद को उद्योगपति का निधन हुआ, सुरेंद्र यादव, शैलेश चौधरी, अखिल गुप्ता, महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद। घर घर पहुंच योजना पहुंचाने के लिए पानी? हाँ बस आए पहला स्थान, ठीक है। हाल ही में मधुबनी के किस महाराष्ट्र हलचल अवार्ड दिया गया? किसे दिया? योगेंद्र शर्मा, ऑप्शन लीजिए, लाल चरण सिंह, राजकुमार झा, प्रमोद झा। हाल ही में बिहार में किस जिले में माता सीता का विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा? हाल ही में बिहार से धूपगढ़ी की चोरी, किस जिला? मुजफ्फरपुर, रोहतास, गया, वैशाली। धान में और गेहूं में सबसे पहला स्थान रोहतास का। मधुमरी बिहार के मुख्यमंत्री किस जिले में? घोर घाटपुर, भागलपुर। किस जिले में तैरता होगा बिजली घर? सुपौल। इमरजेंसी सेवा के लिए 112 नंबर। चलिए ठीक है, समाप्त सर। ये वो नंबर पर फोन करिए ना।